गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्स रेज ओके तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उसका नाम है एक्स एक्सरेज okay. अब एक्स रेज की कहानी कुछ इस टाइप की है कि एक्स रेज जो डिस्कवर करी थी वो एक मुझे ईयर तो याद नहीं है बट एक इस नाम के आदमी ने करी थी अब क्या स्पेलिंग है वो तो पता है लेकिन कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये नहीं पता रोइ गेंट आई आई होप आई थिंक तो इस नाम के आदमी ने एक्सरेज का डिस्कवरी किया था शायद 1895 में किया था कभी तो किया था ठीक है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाँ बट आ, क्या हुआ था कहानी कुछ इस टाइप की है ऑल टेस्ला की जितनी भी कहानियां हैं उनका कोई प्रूफ नहीं है बट कहानी कुछ इस टाइप की है कि रोयनगन नाम के रोयनगन नाम के आदमी ने आ, इसका वो किया क्या है कहते हैं इसकी डिस्कवरी करी और इसकी डिस्कवरी करने के बाद उसने क्या किया आ, उसने एक्चुअली किसी भी 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 पब्लिश पब्लिश उसको क्या कहते हैं कहीं भी नहीं किया अपनी डिटेल्स को या जो भी उसने डिस्कवरी की उसको कहीं पब्लिश नहीं किया उसकी जगह पे उसने क्या किया उसने अपने वाइफ के पैर का एक्सरे लिया बिकॉज उसने एक्सरे निकाली थी डिस्कवर करी थी तो उसने अपने वाइफ के पैर का एक्सरे लिया वाइफ के पैर का एक्सरे लेने के बाद उसको एक न्यूज को दे दिया और इस न्यूज ने उसको छाप दिया ठीक है और उस न्यूज पेपर ने जब उसको छापा तो मतलब सब सबको एक नई चीज दिखी कि एक इंसान की अंदर की हड्डियां दिख रही हैं एंड दैट वाज वेरी यू नो बहुत ही नई चीज थी एटीन उस टाइम के लिए 1895 के लिए तो बहुत ही नई चीज थी तो सब में हड़कम मच गया बिल्कुल कि ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ तो उसने जब डिस्कवरी करी थी तो इस टाइप की हरकत करी थी अच्छा जब ये न्यूज में जो चीज पब्लिश हुई थी टेस्ला ने पढ़ा जब ये न्यूज वाली खबर टेस्ला तक पहुंची तो टेस्ला ने एक्चुअली रोयनगन को बताया कि मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं इस टाइप की और टेस्ला ने अपनी इमेजेस भी रोहनगन के साथ शेयर करी कि मैं भी बहुत दिन से कर रहा हूं और ये मैं ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका था एक्सरेज बट मैंने दिखाया मतलब किसी को दिखाया नहीं क्योंकि टेस्ला की साद डिस्कवरीज इस टाइप की है कि उसने कुछ भी पेटेंट नहीं कराया उसने बस ऐसी दुनिया को दे दिया तो उसने बोला कि मैं भी ये चीज कर चुका था बट अभी क्या के कहते हैं मेरे पास ये फोटोज हैं उसने भी अपने फोटोज शेयर करे बट ऑफिशियल डिस्कवरी ऑब्वियसली फिर किसके नाम पे जाएगी रोहिणगन के नाम पे जाएगी, नाम जाएगी। तो रोहिंग ने इस चीज को डिस्कवर किया था अब रोहिणन ने कैसे डिस्कवर किया था तो वो तो जरूरी नहीं हम लोग के लिए सीखना बट हम लोग जब ये एक्स, एक्सरेज नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ और पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि कूलिज ने क्या किया अब ये कौन है कूलिज ठीक है कूलिज ने क्या किया कूलिज ने एक ट्यूब बनाया कूलिज ट्यूब कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नाम से एक, एक एक्सपेरिमेंट है जो काफी फेमस है और जो हम लोग को एक्सरेज में पढ़ना होता है बट तो इतना ही पढ़ना होता है हम लोग को एक्सरेज में कूलिज एक ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में और उसकी फाइंडिंग्स के बारे में ठीक है और उसकी फाइंडिंग्स को ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जब हम लोग एटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हम लोग को सिर्फ बोर्ड मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस तरीके से इसके अंदर हमें कूलिज ट्यूब पढ़ना है ठीक है अच्छा कुलिच ट्यूब में क्या पढ़ना होता है कुलिच ट्यूब क्या होता है तो कुलिच ट्यूब कुछ इस टाइप की चीज होती है देखना कुलिच ट्यूब किस टाइप की चीज होती है कि उसके अंदर सबसे पहले तो एक होता है है मेटल जो ऐसा थोड़ा टेढ़े टेढ़े में में बनाया बनाया जाता जाता जनरली क्यों है बताऊंगा उसके बाद इस मेटल के पीछे लगाया जाता है एक कॉपर का ब्लॉक कॉपर ही क्यों बताऊंगा फिर उसके पीछे लगाया जाता है एक कॉपर का वायर मोटा वायर मोटा क्यों बताऊंगा फिर उसके बाद एक नॉर्मल वायर नॉर्मल वायर नॉर्मल वायर ठीक है देखते जाना फिर उसके बाद इस तरफ इस तरफ क्या होता है आ, ये जो मेटल है ये अपन इसको बोलते हैं टारगेट मेटल यहां पर एक लगाया जाता है हीटिंग कॉइल ठीक है हीटिंग कॉइल लगाने के बाद इसका जो कनेक्शन होता है हीटिंग कॉइल का कुछ इस टाइप का होता है देखना हीटिंग कॉइल का कनेक्शन कुछ इस टाइप का होता है ठीक है जिस तरफ हीटिंग कॉइल होती है ना उस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं इस बैटरी का और दूसरी साइड पॉजिटिव पोटेंशियल दे, दे देंगे ऑब्वियसली तो ऐसी एक बैटरी लगाई जाती है अब डबल बैटरी क्यों बनाई है मैंने क्योंकि ये जो बैटरी होती है ये बहुत ही हाई पोटेंशियल की होती है ठीक है इस बैटरी का नाम होता है वी ए क्यों बताएंगे फिर अब ये जो दूसरा वायर है हीटिंग कॉइल का ये कहां जा रहा है तो दूसरा वायर जो हीटिंग कॉइल का है ये जा रहा है यहां कहीं और यहां पर यहां पर एक छोटी सी बैटरी लगी होती है इसका नाम होता है वीपी इसका नाम होता है वीपी ठीक है ये जो पूरी कहानी है ये जो अपन का जो भी ये कहानी भी ये बना हुआ है और जो हीटिंग कॉयल बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक ट्यूब के अंदर होता है तो एक ट्यूब और बना लेते हैं हम ट्यूब ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर पाए तो एक ट्यूब है जिसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं और इस ट्यूब के अंदर ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है ठीक है अब वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एक वैक्यूम पंप के लिए भी जनरली जगह छोड़ दी जाती है बट उससे देना नहीं है। अंदर वैक्यूम है ये इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर वैक्यूम है पहली चीज तो अब स्टार्ट करते हैं जहां से पूरी एक्सरे की कहानी स्टार्ट होती है इस ट्यूब में तो पूरी कहानी स्टार्ट होती है इस बीपी से ठीक है पूरी कहानी स्टार्ट होती है इस वीपी से वीपी का नाम वीपी पता है क्यों है क्योंकि वीपी मतलब होता है प्रोडक्शन वोल्टेज हमारे लिए वीपी मतलब क्या है प्रोडक्शन वोल्टेज सो so अवर वीपी इज प्रोडक्शन वोल्टेज अच्छा प्रोडक्शन ये किस चीज का प्रोडक्शन करने वाला है यानी कि ऑब्वियसली अगर ये प्रोडक्शन वोल्टेज है तो किसी चीज का प्रोडक्शन करने वाला है तो ये प्रोडक्शन करने वाला है इलेक्ट्रॉन्स का कैसे

तो हीटअप होगी हीटअप होगी तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होना उनको एनर्जी मिल जाएगा तो उनको कौन सा एनर्जी मिल गया थर्मल एनर्जी अगर वो थर्मल एनर्जी अगर वो थर्मल एनर्जी सफिशियंट होता है इस मेटल से बाहर आने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स का तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर, बाहर आ जाते हैं यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं ठीक है ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों बाहर आए क्योंकि इनको मिला थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी की वजह से ये ये सरफेस ऑफ मेटल 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 को छोड़ ये को, एक को, एक मेटल मेटल को छोड़ छोड़ के के हीटिंग कॉइल कोई होगा बाहर निकल गए तो मेटल को छोड़ के ये बाहर आ जाते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये बिल्कुल उसी टाइप का है जैसे एटोमिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एक फोटोन खाता था फोटोन खाता था एनर्जी मिलता था बाहर आ जाता था मतलब एनर्जी अगर इनफ है तो बाहर आ सकते हैं लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको हमें क्रॉस करना होता है जैसे हाइड्रोजन आटम में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आटम में एक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल नहीं बोलना जी सॉरी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए तो हमें पता है थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इतने में बाहर आ जाता है यहां मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल में जुड़े हुए नहीं रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए भी कुछ एनर्जी की जरूरत होती है मेटल की पूरी सरफेस से बाहर आने के लिए तो उतने एनर्जी से अगर ये लोग बाहर आ पाए मतलब तो उतनी एनर्जी मिल गई तो ये बाहर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए ठीक है तो यहां तक की कहानी क्लियर है वीपी का, का काम क्या है ये क्लियर है हीटिंग कॉइल का काम क्या है यहां पर ये क्लियर है हीटिंग कॉइल का काम है हीट होना वीपी का काम का है हीट करना हीटिंग कॉइल हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन्स का काम है बाहर आना बाहर आ गए ठीक है अब देखो क्या होगा ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे है और ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे पर हो हो पे, और अगर ये है पॉजिटिव पोटेंशियल पे ये है नेगेटिव पोटेंशियल पे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन भागेंगे इलेक्ट्रॉन भागेंगे और भिड़ेंगे किससे ऐसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे चलो तो थोड़ा छोटा एरो बना लेते हैं कोई और इलेक्ट्रॉन बना देता हूं मैं जो अभी भिड़ने वाला है ठीक है कोई और इलेक्ट्रॉन बना देते हैं जो भिड़ने वाले हैं तो यहां पर लेट से मैंने तीन इलेक्ट्रॉन बनाए और ये तीन इलेक्ट्रॉन्स अभी भिड़ेंगे ठीक है तो यहां से ये यह इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट हुए और जैसे ये चल रहे हैं ना वैसे कोई और इलेक्ट्रॉन्स अभी इस टाइम पे स्ट्राइक कर रहे हैं ये स्ट्राइक कर रहे हैं ये भिड़ ये भिड़ जब ये इलेक्ट्रॉन्स भिड़ते हैं तो क्या होता है अब यहां पर यहां तक की कहानी क्लियर है ये आके भिड़े क्यों क्यों भिड़े ये आके इसलिए भिड़े क्योंकि यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं अगर मैं तुमसे पूछू कि बताओ कितने एनर्जी से ये भिड़ेंगे आके कितना एनर्जी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की जब ये यह यहां पर आके भिड़ेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर अगर हम जीरो अज्यूम कर लें क्योंकि वैसे भी बहुत कम होगी क्योंकि अगर ये बाहर आए हैं तो इनकी एनर्जी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू जितनी इनकी इंक्रीज होने वाली है ठीक है तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो कर लूं इस पॉइंट पे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी हो जाएगी सीधा सीधा बताऊं तो ई वी ए हो जाएगी शायद समझ में आ गया हो शायद समझ में नहीं आया हो अरे भाई जब भी हम बोलते हैं कि डेल्टा भी पोटेंशियल से या वी ए पोटेंशियल से एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलोरेट कर दिया है तो कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है क्यू इन टू वी अगर किसी वी पोटेंशियल से क्यू चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो हम लोग पहले डिराइव भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं कि काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाती है क्यू इन वी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना है ई e. और कितने कितने पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है वी ए पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जब वो टकराएगा आके वो होगी ई वी अच्छा ऐसा नहीं है कि सबकी एनर्जी इतनी ही होगी ईवी है ऐसा नहीं है सबकी एनर्जी इतनी होगी ईवी है क्योंकि क्या होता है आपस में रिपल्शन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ की एनर्जी इससे कम रहती है या कोलिजन की वजह से बोल दो या बाहर आने में जो भी मतलब कुछ रीजन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारी इतने एनर्जी से आकर नहीं टकराते है. ये होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर टकराएगा तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन कैन स्ट्राइक अवर टारगेट मेटल इसको बोलते हैं टारगेट क्यों क्योंकि इसको किसी को तो मार रहा है इलेक्ट्रॉन फेक फेंक के इसको इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक के मार रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट मेटल ठीक है तो टारगेट मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहे हैं उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है ईवी ठीक है यहां तक की कहानी क्लियर है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ तो ना सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है कुछ बहुत बड़ी चीज है ही नहीं है वीपी का, का काम क्लियर है हीटिंग ऑयल का, का काम क्लियर है हीटिंग ऑयल से निकले इलेक्ट्रॉन फिर वीए का काम शुरू होता है वीए का काम क्या है अच्छा वीए का मतलब समझ गए हो अब शायद तुम जैसे ये प्रोडक्शन वोल्टेज है ना ये क्या है पता है ये क्या है वेरी गुड समझ गए वीए मतलब पता है क्या है, है, है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना इसका काम है जो ना ये बहुत हाई होता है बड़ी बैटरी भी बनाई थी ये होता है इन द रेंज ऑफ फोर्टी किलो वोल्ट इस टाइप का कुछ होता है इन द रेंज ऑफ फोर्टी किलो वोल्ट बहुत हाई होता है ठीक है ठीक है तो बहुत हाई पोटेंशियल से इसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया तो इसलिए इनका एनर्जी बढ़ गया कितना ईवीए ईवीए तो EVA के सामने इनिशियल को जीरो मान लिया क्योंकि तुम्हें बताया ना मैंने वीए बहुत बड़ा होता है 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 ठीक ठीक तो इतना एनर्जी से इतना काइनेटिक एनर्जी से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आकर टकरा सकते हैं ठीक है अब क्या होगा सुनो अब क्या होगा अब क्या होता है यहां पर स्टारगेट मेटल पर जब ये आके टकराते हैं तो कुछ तरीके की चीजें होती है क्या होता है पता है

टकराए इलेक्ट्रॉन जैसी भिड़े उनकी एनर्जी लूज हुई अब जब एनर्जी लूज होती है तो किस फॉर्म में लूज होती है मोस्टली जो हमारे आसपास हम देखते हैं तो एनर्जी जो लूज होती है वो मोस्टली हीट फॉर्म में होती है हमारे आसपास कई बार ऐसा होता है तुम तो अगर कंटिन्यूअसली एक एक हैमर लोगे हथोड़ा लोगे और एक कील पे नेल पे बार बार मारते रहोगे तो वो नेल गर्म हो जाएगी तो हीट के फॉर्म में जनरली हम लोग को कहीं भी दिख सकती है एनर्जी लूज होती हुई वैसे यहां पर जो एनर्जी का लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो दो फॉर्म में हो रहा है एक तो हीट के फॉर्म में और एक लाइट के फॉर्म में अब समझना मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहां पर टकराए तो उन्हें अपनी एनर्जी लूज करी अच्छा कितनी एनर्जी लूज करी वो कितनी भी हो सकती है उनके पास है है।, है है कितनी कितनी ईवी ईवी मैक्सिमम लेकिन लॉस कितनी होगी लॉस लॉस कितना भी हो सकता है डिपेंड करता है कि फाइनल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है ये टकराने के बाद भिड़ के वापस गया कि ऊपर गया कि सीधा निकल गया कि ऐसे करके यहां से ऐसा चला गया जो भी हुआ उसके साथ तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने

अच्छा तो मतलब ये जब हमने डिसाइड कर लिया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ईवीए है तो अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं यहां पर कि मैक्सिमम या मैक्सिमम ना बोलूं मैं ऐसा लिखूं एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन विथ टारगेट मेटल ड्यूरिंग कोलिजन विथ टारगेट मेटल ये वैल्यू कितनी है ये वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि दिस वैल्यू इज फ्रॉम जीरो टू ईवीए सीधा रेंज ही लिख देते हैं ना क्लियर हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी तो एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन विद टारगेट मेटल इज जीरो टू तो इतने इतने टाइप्स की एनर्जी लॉस हो सकती है ठीक है अब ये जो एनर्जी लॉस होती है ना ये मैंने बताया तुम्हें किस फॉर्म में होती है हीट के फॉर्म में भी होती है और लाइट के फॉर्म में भी होती है अब हीट वाले में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है सुनते जाओ हीट वाले फॉर्म में इतना इंटरेस्ट नहीं है लाइट वाले फॉर्म की बात करते हैं तो अगर हीट फॉर्म में भी हो रही है लाइट फॉर्म में हो रही है तो लाइट फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उनकी एनर्जी कितनी कितनी हो सकती है वो एनर्जी होंगी जीरो टू ईवी अरे जितनी इलेक्ट्रॉन ने लूज करी वही तो हीट और लाइट फॉर्म में रिलीज हो रही है ना तो लाइट फॉर्म में जो एनर्जीज रिलीज हो रही है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है वो भी जीरो टू है कुछ होगी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो पूरी की पूरी एनर्जी लाइट फॉर्म में रिलीज कर रहे होंगे तो वो कितनी रिलीज कर रहे होंगे ईवीए मैक्सिमम वाला ईवीए रिलीज कर रहा होगा तो जीरो भी पॉसिबल है और जीरो से ईवीए तक की सारी वैल्यूज पॉसिबल है तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिंस एनर्जी इज गेटिंग रिलीज इन टू फॉर्म्स हीट एंड लाइट लाइट फॉर्म की बात करें यानी कि फोटॉन्स की बात होने लगी समझ में आ रही है बात लाइट की बात कर रहा हूं मतलब फोटो की बात कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि एनर्जी इज रिलीज इन टू हीट एंड हीट एंड फोटोन्स और फोटोन्स की बात करूं तो जो फोटो यहां से निकलेंगे फोटोन्स जो यहां से निकलेंगे मतलब यहां से फोटो निकलेंगे हां बिल्कुल निकलेंगे यहां से फोटो निकलेंगे ये निकला ये निकला ये निकला हर डायरेक्शन में ये फोटॉन्स निकले फोटॉन्स एमिट हुए यहां से ये जो फोटॉन्स एमिट होते हैं इनकी एनर्जी जीरो टू ईवी ईवीए कुछ भी हो सकती है इनकी एनर्जी अगर जीरो टू ईवी ईवीए कुछ भी हो सकती है तो तुम सोचो इसकी एनर्जी में कितनी बोल रहा हूं अगर वीए VA की वैल्यू मान लो फोर्टी किलो वोल्ट होती तो ईवीए की वैल्यू होती फोर्टी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सोच रहे हो फोर्टी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोर्टी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कंपेयर करना अपने हाइड्रोजन की एनर्जी से हाइड्रोजन में एनर्जी होती थी इस रेंज की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम सोच रहे हो किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन 40,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तुम सोचो कि जो हाइड्रोजन एटम atom में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे थे कि जो एनर्जीज रिलीज हो रही थी वो इस लेवल की थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे फोटॉन्स जो थे वो इस रेंज के थे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके आसपास के थे इससे कम ही थे इससे कम भी बहुत सारे थे तो इससे कम वाली एनर्जीज हम बोल रहे थे विजिबल स्पेक्ट्रम में है. रिमेंबर बामर सीरीज बामर सीरीज में अपन ने बोला था कि टू में कूदना है थ्री से कूदो फोर से कूदो फाइव से कूदो सिक्स से कूदो हाइड्रोजन आइटम के लिए सारी एनर्जी इससे कम थी और वो विजिबल रेंज में थी वो विजिबल रेंज में थी लाइमन सीरीज यानी कि इंफ्रारेड रेंज में चले गए थे अपन लोग नहीं सॉरी अल्ट्रावायलेट में चले गए थे अल्ट्रावायलेट की अगर अपन लोग बात कर रहे थे तो उसका मतलब क्या था कि वो ज्यादा और ज्यादा एनर्जी की वेवलेंथ थी और ज्यादा एनर्जी की फोटॉन्स थे और ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स थे लेकिन फिर भी 13.6 से कम थे मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम में ही हम लोग अल्ट्रावायलेट तक पहुंच चुके हैं तो सोचो 40,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन होगा 40,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो फोटोन होगा वो किस रेंज का होगा उस रेंज को बोला जाता है एक्सरे जब इसके अराउंड जब इसके अराउंड इस एनर्जीज के फोटॉन्स निकलते हैं तो इसको बोला जाता है एक्स रेज तो हम इसलिए ये बोलते हैं कि स्टारगेट मेटल से जो रेज निकलती हैं, जो फोटॉन्स निकलते हैं दो या हम ऐसा बोलेंगे डायरेक्टली कि यहां से अब एक्स रेज निकलेंगी यहां से अब एक्स रेज निकलेंगी तो ये पूरी कहानी है इसकी समझ में आ गया प्रोडक्शन एक्स रेज का करना चाह रहे थे हो गई प्रोड्यूस काम खत्म लेकिन सर पर ये इतनी लंबी कहानी और क्या है बचा नहीं है कहानी में कुछ ये एक टारगेट मेटल है मेटल तो चाहिए ही था हमें क्यों चाहिए था कंडक्टिविटी के लिए भी चाहिए था दूसरा भी एक और रीजन है थोड़ी देर में देखेंगे उसको पहले तो ये बताते हैं कॉपर के ये दो चीजें क्यों लगी उनके पीछे रीजन बड़ा सिंपल सा है हम लोग ने डिसाइड किया था दो तरीके से ये एनर्जी रिलीज हो रही है कौन कौन सा हीट एंड लाइट लाइट तो डिस्कस कर दिया लाइट तो डिस्कस कर दिया हीट का क्या होगा हीट का क्या होगा अगर यहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी यहां पर बन रही है इतनी ज्यादा एनर्जीज यहां पर क्रिएट हो रही है तो अगर उस एनर्जी को तुमने जल्दी से एनवायरमेंट में नहीं डिसिपेट किया तो क्या होगा ये मेटल मेल्ट हो जाएगा ये जो टारगेट मेटल है ये पिघल के गिर जाएगा और अगर तुम नहीं चाहते कि ये पिघल के गिरे तो इसलिए हमने कॉपर के वायर और कॉपर का ब्लॉक लगा दिया है कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो कॉपर का यहां पर सिर्फ ये काम है कि हीट बाहर निकले जल्दी से जल्दी हीट बाहर निकल जाए तो कॉपर का यहां पर बस यही काम है तो कॉपर का काम है कि हीट बाहर निकाल दे तो अपन इसको मार्क जरूर कर देते हैं कि ये दोनों चीजें काय की हैं कॉपर की इसको कहा जाता है टारगेट मेटल ये है हमारी हीटिंग कॉइल अच्छा ये जो बात है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी रहेगी ये अपन लोग सेपरेटली कहीं लिखेंगे अभी नहीं लिख रहे इसमें सिर्फ अपन मार्क कर लेते हैं वैक्यूम है ये ट्यूब है कुलिस ट्यूब बोलते हैं इसको कुलिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ये है प्रोडक्शन वोल्टेज इसको यही मार्क कर लेना इनके नीचे इसका रेंज है नियरली फोर्टी किलो 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 वोल्ट ठीक है तो बस पूरा हम लोगों ने डायग्राम पूरी तरीके से मार्क कर लिया है अब तुम एक काम करो इस डायग्राम को अच्छे से बना लो डायग्राम अच्छे से बना लो और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं मैं तुम्हें नोट करवाता हूं चीजें कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक है चले जल्दी से इसका डायग्राम बना बात करते हैं हम लोग अब बात करते हैं हम लोग लो कि इसमें क्या क्या हुआ है ठीक है तो मैं बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पसंद करता हूं इसको। पहला पॉइंट वीपी वीपी का काम क्या है? वीपी का, का काम क्या है? वीपी का, का काम है हीटिंग कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना वीपी प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉइल हीटिंग कॉइल V.P. प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हीटिंग coil. देन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि हीटिंग कॉइल हीट हुई तो उसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए ठीक है हीटिंग कॉइल up एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स गेट थर्मल एनर्जी मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहा हूं इसलिए अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस मत करना ठीक है अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस मत करना कि सर ये आपने थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया मुझे मतलब नहीं है भाई पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहे हैं अपन लोग बहुत क्लियरली तुम्हें चीजें याद लाएंगे क्या क्या हो रहा है सिक्वेंस में ठीक है हीटिंग कॉइल ने जब ये काम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड बाय गेटिंग दिस एनर्जी फिर क्या होगा Here, electrons will accelerate to the target metal. Electron will accelerate towards target metal. This is happening due to VA. Due to accelerating voltage, electrons will accelerate towards target metal. मैक्सिमम एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट नेक्स्ट चीज यही है ना कैन बी रिटर्न एज के इज इक्वल टू ईवीए मैक्सिमम एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स विल स्ट्राइक द टारगेट ये हो जाएगा के इक्वल टू ईवीए इतना काइनेटिक एनर्जी से ये टकरा ठीक है थेके? अब ड्यू टू कोलिजन due to collision electrons lose energy in the range of 0 to ev ठीक है तो अपन को अब ये लिखने की जरूरत नहीं है समझ गए होगे तुम यहां तक तो तो इतनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे लूज करेंगे ठीक है ड्यू टू कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी इन द रेंज ऑफ जीरो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो दिस एनर्जी इज रिलीज दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ट एंड लाइट लाइट मतलब मैं फोटॉन्स की बात कर रहा हूं ठीक है फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट अच्छा अब लिखने के लिए पहले हीट की बात कर लेते हैं क्यों क्योंकि फोटोन से कहानी पूरी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि तो वही तो इंपॉर्टेंट है ना तो इंपॉर्टेंट पार्ट आखिरी के लिए छोड़ देते हैं और पहले हम लोग पूरी कहानी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर हम बोलेंगे अच्छा अब लाइट के बारे में बात कर रहे हैं और यही पूरा हमारा आगे का चैप्टर है ठीक है ठीक है तो हीट के काम बात करके उसको खत्म करते हैं ठीक है फिर हम लोग आगे बाद में हीट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है अच्छा तो एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट या हीट एनर्जी लिख दो सीधा हीट एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय कॉपर ब्लॉक एंड वायर

मिली तो थी किसको मिली थी टारगेट मेटल को हमारे बहुत सारी हीट एनर्जी मिली थी तो एक टारगेट मेटल स्पेसिफिक एक पॉइंट बताऊं मैं तुम लोग को कि टारगेट मेटल जो होता है ना टारगेट मेटल शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट पहली चीज तो टारगेट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए रीजन बड़ा सिंपल सा है बहुत सारी हीट एनर्जी मिलने वाली है उसको अगर वो मेल्टिंग पॉइंट उसका लो हुआ तो जरा मेल्ट होकर निकल जाएगा और किसी काम का हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा तो हम जो टारगेट मेटल यूज करें उसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए दूसरी चीज दूसरी चीज टारगेट मेटल शुड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक हीट अब इसका क्या मतलब है या हाई थर्मल कैपेसिटी बोल लो अगर तुम्हें तो बोलना है तो

क्यू हीट एब्सॉर्व करती है तो उसका चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है अब सोचो हमें पता है कि इसको बहुत सारी हीट मिलने वाली है लेकिन अगर बहुत सारी हीट मिले लेकिन उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो बहुत सारी हीट मिले लेकिन स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो तो डेल्टा टी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है ना डेल्टा टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है इसका मतलब अगर हाई स्पेसिफिक हीट हुई तो हीट ज्यादा खाने पर भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा और टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो वो भी हमारे काम की चीज है कि टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो उसका मतलब ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचना मुश्किल है ठीक है तो हमारा जो टारगेट मेटल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए और थर्मल कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट भी हाई होना चाहिए ठीक है तो ये दो चीजें समझ में आ गई ठीक है अब हम लोग बोल सकते हैं कि हम हीट रिलेटेड चीजों को अब छोड़ सकते हैं हो गया इनाफे बस अब आ जाते हैं हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअली लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है इसके अंदर या फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज हो रही है तो फोटॉन्स वाली एनर्जी की बात करते हैं फोटॉन्स जो रिलीज हुए फोटॉन्स रिलीज कैन हैव एनर्जी इन द रेंज ये इंपॉर्टेंट चीज है जीरो टू ईवी ठीक है Since VA is very high, the energies of photons is high, and these high energy photons are called X rays. ठीक है रेंज ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ को लैमडा लिख दू सीधा फॉर एक्स रेज ये जनरली यू नो मेंस या नीट लेवल क्वेश्चंस में इस टाइप की चीजें पूछी जाती है मेंस में या नीट लेवल क्वेश्चन में जेई मेंस और नीट लेवल क्वेश्चन में इस टाइप की चीजें बोल दी जाती है कौन सा एक्सरे होगा वेवलेंथ के रेंजेस दे देते हैं ठीक है तो जब मेंस इसमें बोला जाता है तो इसका रिजल्ट uh, होता है कि रेंज ऑफ लैमडा फॉर इज 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक ठीक है 100 एंगस्ट्रॉम तक हम बोल देते हैं कि हम एक्सरेस की बात कर रहे हैं तो दिस इज द रेंज फॉर वेवलिंग निकालें कैसे? अरे अगर पता है तो वेवलिंग निकाल पाओगे क्या फोटोन की फोटोन की एनर्जी पता है तो वेवलिंग कैसे निकालते हैं e से है ना और एच सी की वैल्यू भी हम लोग ने इजी वाली याद रख ली थी क्या होता है एच इन टू सी ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम तो हम लोग वो याद रख के आंसर निकाल सकते हैं निकाल के बताऊंगा भी थोड़ी देर बट जितनी कहानी यहां लिखी हुई है ये पूरी की पूरी कहानी अच्छे से नोट कर लो ये पूरी कहानी जो भी मैंने लिखी है इसको अच्छे से नोट कर लो अच्छे से समझ लो फिर हम आगे बढ़ो तो अब पूरा सब कुछ समझ में आ गया है अपन को अच्छी तरीके से अगर तुम्हें तो सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो मैं अब इसमें से चीजें हटाना स्टार्ट कर रहा हूं मुझे मालूम है किससे मतलब है मुझे सबसे पहली बात तो अब शायद इसकी मुझे जरूरत ना पड़े नहीं पड़ेगी ना नहीं पड़ेगी ना नहीं पड़ेगी ना नहीं पड़ेगी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी हम लोग लिख चुके हैं ठीक है जरूरत पड़ेगी तो मैं सीधा एक्सप्लेन कर दूंगा तुम समझ जाना ठीक है क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में छप गया होगा ये डायग्राम ठीक है इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगा जो हीट वाला पार्ट है उसका क्या करेंगे कुछ नहीं है कोई काम का नहीं है तो हीट वाले पार्ट भी हटाया हीट वाला पार्ट हटाया ठीक है ये हीट वाला पार्ट हटा दिया अच्छा एनर्जी दो फॉर्म में रिलीज हो रही है हाँ अच्छी बात हो रही होगी हमें तो लाइट से मतलब है ना बस लाइट वाले फॉर्म ठीक है ठीक है और 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 ये जरूरत है मुझे ये जरूरत है मुझे ये जरूरत है है मुझे ठीक इसको तो अपन डायरेक्टली यहां पहुंच गए सीधा कि मैक्सिमम एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज इसके इक्वल टू ईवीए रिलीज कैन है था ते था, अब मैं बात करता हूं कुछ और ठीक है कैलकुलेशन पार्ट में जाने से पहले एक थ्योरेटिकल चीज थोड़ी सी और है वो अगेन इसी पॉइंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स ऑलरेडी हम लिख चुके हैं उनसे एक कंक्लूजन और निकालते हैं वो कंक्लूजन ये है सुनना, बहुत सिंपल चीज है है वो कंक्लूजन ये है कि अगर मैं वीपी की बात करूं प्रोडक्शन वोल्टेज की प्रोडक्शन वोल्टेज ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कॉइल हीट अप हुई और उस कॉइल हीट अप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली और वो बाहर निकले और इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिल गई ठीक है बस यहां तक की कहानी एक ये कहानी है इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने की ठीक है अच्छा अगर बाय चांस कभी कोई तुमसे बोले कि भाई मुझे और ज्यादा एक्सरे और ज्यादा चाहिए इनफ नंबर ऑफ रेज नहीं निकल रही है इस से, नंबर रेस को इंक्रीज करो तो तरीका बड़ा सिंपल सा है अगर तुम नंबर ऑफ रेज को इंक्रीज करना चाहते हो मतलब तुम ये चाहते हो कि नंबर ऑफ रेस कहां से इंक्रीज होंगी टारगेट मेटल पे टारगेट मेटल पे नंबर ऑफ रेस तब इंक्रीज होंगी जब तुम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भेजोगे वहां से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए कॉइल से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है कॉइल से तो वीपी को इंक्रीज कर दो प्रोडक्शन वोल्टेज को इंक्रीज कर दो तो हमारे पास एक चीज ये है कि अगर मैं इधर से मुझे यहां से यह समझ में आता है कि अगर मैं वीपी को इंक्रीज करूंगा इफ वीपी इज वीपीज इफ वीपी इज इंक्रीज तो उससे होगा क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एक्सरे इंक्रीज हो जाती है क्वांटिटी ऑफ एक्सरे इंक्रीज ठीक है तो कैसे अगर तुमने वीपी को इंक्रीज किया तो क्वांटिटी ऑफ एक्सरे इंक्रीज हो जाती है समझ तो में आ गई बात दूसरी चीज देखो दूसरी चीज देखो दूसरी चीज इससे रिलेटेड है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने एक्सेलट किया टूवर्ड्स तो रहा है वी ए की वजह से तो अगर मैं वीए को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा वीपी को बढ़ाने पे क्या होगा वो समझ में आ गया अगर मैं वीए को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा अगर तुम वीए को बढ़ाओगे तो मैक्सिमम एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट के इक्वल टू ई वो बढ़ जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी से अब इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं अच्छा अगर ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो फोटोन जो रिलीज हो रहे हैं जीरो हाई एनर्जी के अब तुम्हें मिलने लगे हैं तो और ज्यादा हाई एनर्जी के जब तुम्हें फोटोन मिलने लगेंगे तो तुम इसको बोलोगे तो तुम इसको बोलोगे कि अगर मैं वीए को इंक्रीज करूं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा नंबर नहीं चेंज होगा लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा नंबर नहीं चेंज होगा ऐसा मैं बोल रहा हूं अभी के लिए थोड़ी देर बाद एक चीज और बताऊंगा थोड़ी सी जगह छोड़ के चलता हूं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा ठीक है उसके बाद अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो फोटॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा पहले हम नंबर की बात कर रहे थे अब हम उसी जगह पर एनर्जीज की बात करने लगे तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए उससे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ी तो उससे एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ गई ठीक है अच्छा जब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाती है ना तो हम इसको पता है क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी जैसे उसको हम बोल रहे थे ना नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो हमने क्या बोला क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बढ़ गई इसको हम बोलते हैं क्वालिटी बढ़ गई तो क्वालिटी ऑफ एक्सरेज इंक्रीजेस ऐसा इसको बोला जाता है तो अगर तुमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या कर सकते हैं क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो तुम बोलना इंक्रीज कर दो अच्छा तो यहां पर मालूम गैप क्यों छोड़ा है मैंने क्योंकि एक चीज और होती है अगर उसी डायग्राम में थोड़े से डायग्राम की जरूरत पड़ रही है लेकिन चल जाएगा काम अगर तुमने वीए को इंक्रीज किया तो तुम सोचो वीए को इंक्रीज करना मतलब यहां पर अपन वैसी बहुत हाई पोटेंशियल दे रहा है उसको और बढ़ा रहे हैं ठीक है यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑल दो बाहर आ रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से क्योंकि उनको हीट हीट अप एनर्जी मिल रही तो वो कॉइल से बाहर आ जाते हैं लेकिन लेकिन जो आ, यहां पर जो पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और वहां क्या है नेगेटिव पोटेंशियल है उसकी वजह से कंटिन्यूअसली एक फोर्स भी लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स पे कंटिन्यूसली एक फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में और जो फोर्स है वो उसको बोलते हैं अपन फील्ड एमिशन समझना इस चीज को भाई सिंपल चीज ये है कि हीटिंग कॉइल एक नेगेटिव पोटेंशियल पे है और टारगेट मेटल एक पॉजिटिव पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन है तो हीटिंग कॉइल के जो है, उनको ये है, ये है, इस डायरेक्शन में फोर्स तो किस तरफ लगेगा इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन पे अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो वो इतने हाई पोटेंशियल की वजह से लग रहा है इतने हाई पोटेंशियल की वजह से फोर्स लग रहा है कि ऑल्दो थर्मल एमिशन हो रहा है यहां पर ऑल्दो थर्मल एमिशन हो रहा है मतलब हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं बट थोड़ा सा उसमें हेल्प फील्ड एमिशन का भी है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी हेल्प जरूर मिल रहा है थर्मल को तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं वीए को इंक्रीज करता हूं तो ऐसा देखा गया है कि अगर मैं वीए को इंक्रीज करता हूं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है लेकिन साथ में स्लाइट इंक्रीज ऐसा बोलना चाहिए साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं स्लाइटली ऑल दो हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई वीए बढ़ाने से क्या होगा वीए बढ़ाने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं सही बात है लेकिन वीए बढ़ाने की वजह से जो फोर्स लग रहा था ना इलेक्ट्रॉन पे जो उनको हीटिंग कॉइल से बाहर खींच सकता है वो फोर्स भी तो बढ़ गया और वो फोर्स बढ़ गया तो ये देखा गया है कि ऑल थर्मल एनर्जी उतनी ही मिल रही है लेकिन अब फील्ड एनर्जी बढ़ गई है फील्ड एमिशन बढ़ गया है तो थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे जब थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाते हैं स्लाइटली तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जब बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ जाते हैं स्लाइटली ठीक है और अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि क्वालिटी ऑफ इन एक्सरे इंक्रीजेस क्वालिटी ऑफ एक्सरे इंक्रीजेज तो मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि क्वालिटी ऑफ एक्सरे सॉरी क्वालिटी लिख दिया है ऑलरेडी तो क्वान्टिटी इंक्रीज होती है slightly. समझ में आई बात समझ में आई क्या बोला मैंने मैंने यह बोला कि वीए बढ़ाने से क्वालिटी तो इंक्रीज होती है लेकिन क्वान्टिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है अगेन एक्सरे में क्या होता है ना ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें थ्योरटिकल दिखेंगे तो मैं दिख रहा होगा कि हम लोग इतना सारा एक्सरे पढ़ा हमने सिर्फ थ्योरी 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 देखी सिर्फ एक फॉर्मुला देखा वो भी ईवीए उसको अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो उसको मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन बोल दो जो बोलना है बोल दो लेकिन बस ईवीए के अलावा कोई कैलकुलेशन पार्ट अभी तक नहीं आया ठीक है तो इसको और नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी तो से हानि खत्म इसकी अब सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तो उनको अभी तक डिस्कशन नहीं किया इनके बारे में अभी सोचा नहीं है अच्छा रेंज ऑफ लॉडा फॉर एक्सरेज ये तो एक अपन का फैक्ट लर्निंग वाला हो गया फैक्ट रटना हो गया तो इसको तो अपन हटा सकते हैं जितनी कम चीजें होंगी उतना अच्छा अच्छा लगेगा ना बोर्ड पे ठीक है इनको एक्सरेज बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्सरे है, बोलेंगे ठीक है तो एक पॉइंट बचा फोटो रिलीज कैन हैव हैव एनर्जी एनर्जी कैन इन द रेंज जीरो

एनर्जी ऑफ फोटोन इतनी ही है तो यहां से बना 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अच्छा, एक चीज बताओ ये थोड़ी एनर्जी है than, EVA. EVA तो मैक्सिमम वैल्यू है ना तो अब तुम लोग थोड़ा समझदार हो तो मैं थोड़ा सा इनक्वालिटी से ही सॉल्व करके बताता हूं एनर्जी ऑफ फोटोन हमें ये पता है कि मैक्सिमम वैल्यू वैल्यूवीए है उससे कम कोई भी वैल्यू चल जाएगी और जीरो से कम तो होगी नहीं ऑब्वियसली नेगेटिव थोड़ी होती है है एनर्जी ऑफ फोटोन ठीक तो e की वैल्यू अब मैं यहां डालता हूं ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड इलेक्ट्रॉनडा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसर मैं वी ए को नीचे लेके जा रहा हूं लैमडा को उस तरफ लेके जा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि लैमडा इज कमिंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12400 वोल्ट डिवाइडेड बाय वी ए वी ए को ऑब्वियसली तुम वोल्ट्स में डालोगे तो ऊपर नीचे का वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आएगा तुम्हारा इन एंगेस्ट्रॉम एंगेस्ट्रॉम में ये आंसर मिल रहा है हमें दिस इज द वेवलेंथ एमिटेड इन दिस कुल्यूब एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ एमिटेड जो होंगी वो इस वैल्यू से कम नहीं होंगी ये हमारा क्या आ रहा है लामडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है तो हम बोल सकते हैं कि लामडा मिनिमम जो यहां से हमने निकाला दैट इज 12,400 वोल्ट डिवाइडेड बाय वी ए इतना एंगस्ट्रॉन्ग इतना एंगस्ट्रॉन्ग ठीक है अच्छा और इससे बड़ी सारी वैल्यूज पॉसिबल है दिख रहा है तुम्हें इससे बड़ी सारी वैल्यूज पॉसिबल सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी इन्फिनिटी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी ठीक है अब एक ग्राफ बनाया जाता है इस ग्राफ का हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है दिस ग्राफ इज एक्सपेरिमेंटल कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज नोटिस करी गई है एक्सपेरिमेंटली जब एक ग्राफ बनाया गया बिटवीन वेवलेंथ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी इंटेंसिटी मतलब क्या होता है इंटेंसिटी मतलब होता है यहां पर कि कितना कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के ठीक है तो यहां पर इसी ग्राफ बना रहे हैं हम लोग कि कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ का कितना इंटेंसिटी एक्सपेरिमेंट में निकला कोई और पर्टिकुलर तो तो ऐसा होना चाहिए समझना, अगर मैं यहां पर लामडा मिन मार्क करूं लामडा मिन क्या डिनोट कर रहा है लामडा मिन ये वाली वैल्यू है लामडा मिनिमम बताता है तुम्हें कि इससे कम वाली इससे कम वेवलेंथ इसकूल एक्सपेरिमेंट में नहीं निकलता ठीक है तो लामडा मिनिमम अगर मैं मार्क करूं और फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक्सपेरिमेंटली इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला है कुछ ऐसा इसका ग्राफ मिलता है इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज और वेवलेंथ के बीच का कुछ ऐसा ग्राफ यहां पर मिलता है एक्सपेरिमेंटली तो ये ग्राफ अपन को अच्छे से समझ में आना चाहिए इस ग्राफ में मतलब अपन को सिर्फ इतना देखना है कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ है अगर तुम देखोगे तो ग्राफ स्टार्ट हुआ है मिनिमम से और लामडा मिनिमम के पीछे कि कम नाम में अभी मत जानना कि नाम सर ऐसा क्यों है अभी तुम सिर्फ समझ लो कि नाम है ठीक है ये नाम है इस ग्राफ का आ, आई वर्सेस लैम्डा तो कौन सी बड़ी बात सर ये समझ में आ ही गया था हमें फॉर Continuous X -rays. नाम समझ में नहीं आया फॉर एक्सरेज क्यों नाम नहीं है कंटिन्यूस एक्सरेस क्यों नाम है बताऊंगा बाद में ठीक है अभी उसमें मत जाओ अभी उसमें मत जाओ तुम छोड़ दो नाम के बारे में इतना बट इसका नाम सही तरीके से चीजें लिखना चाहिए अपन को क्योंकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें क्लियरली समझ में आना चाहिए कौन सी चीज क्या है ठीक है और तब तक तुम्हें यह चीज क्लियर हो चुकी होगी कि कंटिन्यूस वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पर तो अभी के लिए सिर्फ इतना तुम लोग को ग्राफ बनाना जरूरी है ठीक है जल्दी से ग्राफ बनाओ फिर एक आध क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे नोट भी करना है पूरा नोट करो पूरा और ग्राफ बनाओ फिर अपन क्वेश्चन करते हैं इस पर अब चलो क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे ठीक है मैं पहले ग्राफ थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बच रही है यहाँ पर नहीं तो मैं झुक झुक के चीजें लिखना पड़ेंगी ठीक है तो ये ग्राफ तुम लोगों ने बना लिया है तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ चलो ठीक है थोड़ी बताओ तुम ऐसे ही बता दो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं वीपी को इंक्रीज करता हूं अगर मैं वीपी को इंक्रीज करता हूँ समझ में आ रहा है वीपी मतलब क्या है प्रोडक्शन वोल्टेज अगर मैं वीपी को इंक्रीज करता हूँ पहले ग्राफ ऐसा था फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वीपी अगर वीपी को हम इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा ग्राफ में क्या चेंज आएगा अगर मैं वीपी को इंक्रीज <coughs> करता हूं ठीक है अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया हो ठीक है तो थोड़ा सा मैं टाइम थोड़ा सोल्व करो जल्दी से दिमाग लगाओ जल्दी दिमाग लगाओ जल्दी दिमाग लगाओ लगा। मेरा क्वेश्चन ये है सिंपल सा अब तुम हेडिंग भी हटाई दो तो क्योंकि हेडिंग तो उस ग्राफ के लिए थी क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये है कि तुमने आई वर्सेस लैंडा ग्राफ सीख लिया है ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक वैल्यू से स्टार्ट होता है ऐसे उठता है ऐसे गिरता है। ठीक है, है इंक्रीज कि किया तो ग्राफ में किस तरीके के चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे ठीक है, ठीक है? तो आंसर अब मैं बताता हूं देखो अगर तुमने वीपी को चेंज किया तो वीपी को बढ़ाने से वीपी को बढ़ाने से हम लोगों ने सीखा है कि क्वालिटी नहीं क्वांटिटी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स रेस के इंक्रीज हो जाते हैं यानी कि हर वेवलेंथ के नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे हर वेवलेंथ के नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे लेकिन दूसरी चीज मुझे ये बताओ क्या क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता है क्या एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे कोई फर्क पड़ता है तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वेवलिंग ऑफ फोटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वेवलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लैमडा मिन की वैल्यू चेंज नहीं होगी वैसे तो वो फॉर्मुले से भी दिख रहा है वैसे तो वो फॉर्मुले से भी दिख रहा है कि लैमडा मिन सिर्फ एक वैल्यू पे डिपेंड करता है वो है वी VA।, VA के अलावा वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है अगर तुम VP को चेंज करोगे तो लैमडा मिन चेंज नहीं होगा मतलब जिस वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ नहीं एमिट हो रही थी वो अभी भी नहीं जिस वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ नहीं एमिट हो रही नहीं नहीं हो रही थी वो अभी भी एमिट नहीं होंगी तो मैं सीधा बोल सकता हूं मैं सीधा बोल सकता हूं कि मेरा नया ग्राफ कुछ ऐसा होगा मेरा नया ग्राफ कुछ ऐसा होगा बनाता हूं मेरा नया ग्राफ कुछ ऐसा होगा क्या हुआ है यहां पर कि अगर मैं बोलूं कि ये दो के लिए बनाया गया है दो प्रोडक्शन वोल्टेज के लिए ग्राफ बनाया गया है ये जो नीला वाला ग्राफ है ये वीपी प्रोडक्शन वोल्टेज के लिए बनाया गया है और ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये अगर प्रोडक्शन वोल्टेज के लिए बनाया गया है और वीपी जो है वो मेरा वीपी से बड़ा है इस ग्राफ में अगर प्रोडक्शन वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ग्राफ ऊंचा होता जाएगा लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज नहीं हो पाएगा ठीक है अगर दो प्रोडक्शन वोल्टेज का कंपेयर करना होगा तो ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो ऐसे आंसर होगा ठीक है थियोटिकल क्वेश्चन अगेन तो एक्सरेज में थ्योरिटिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर ऐसा ग्राफ है एक्सरेज का इंटेंसिटी वर्सेस लैमडा का क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर तुमने एक्सिलेटिंग वोल्टेज बढ़ाया अगर तुमने एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाया तो मुझे ये बताओ अगर तुमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाया तो मुझे ये बताओ कि नया ग्राफ कैसा बनेगा अगर तुमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा दिया तो बताना है कि नया ग्राफ कैसा बनेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाने पर नया ग्राफ कैसा बनेगा ये सोचना है ठीक है ये सोचना है अपन को तो ठीक है देखो अगर हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाया तो उससे क्या चेंज होता है उससे क्वालिटी बढ़ जाती है क्वालिटी मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स भी रिलीज होने लगते हैं ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स रिलीज होने लगते हैं इसका मतलब ये है इसका मतलब यह है कि वेवलेंथ और कम भी रिलीज होने लगती है पर अगर तुम्हें ऐसे नहीं जज करना फॉर्मुले से जज करना है तो वो भी हमें सीधा दिख रहा है कि अगर तुम वीए की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो लैमडा मिन कम हो जाएगा मतलब ग्राफ जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना वो कम हो जाएगा वो पीछे सरक जाएगा तो अब ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होने लगेगा तो नया लैमडा मिन कहीं यहां होगा तो ग्राफ जो बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा देखना ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा सर आपने दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचा क्या मैंने नहीं सोचा एक और चीज के बारे में कि स्लाइट इंक्रीज देर इज अट इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटो ऑल्सो हर एक वेवलेंथ के नंबर ऑफ फोटॉन्स भी थोड़े से बढ़ जाएंगे नहीं मैंने सोचा है और उसी हिसाब से मैंने ये ग्राफ बनाया है तुम कोई भी वेवलेंथ को कंपेयर कर लो उसके ज्यादा इंटेंसिटी हो गई है मतलब ये पूरा ग्राफ ऊपर रहेगा पूरे पुराने वाले ग्राफ से ये पूरा का पूरा नया ग्राफ जो है ये ऊपर रहेगा पुराने वाले ग्राफ से ये पूरा का पूरा ग्राफ जो ऊपर है ये शो कर रहा है कि हर एक वेवलेंथ का नंबर ऑफ फोटॉन्स भी थोड़े इंक्रीज हो गए स्लाइट इंक्रीज उसमें भी हुआ है और लैमडा मिनिमम कम हुआ है वो तो है ठीक है तो अब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं अगर मैं इधर पर मार्किंग करना स्टार्ट करूं जैसे मैंने इसके अंदर करी थी तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को बोलू लामडा मिन वन और इस वाली वैल्यू को बोलू मैं लैमडा मिन टू ठीक है ब्लू वाली के लिए मैं बोल रहा हूं कि दिस ग्राफ वाज मेड फॉर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वी ए वन और जो ब्लैक वाला ग्राफ बना है दिस ग्राफ इज मेड फॉर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वी ए टू तो ये ग्राफ बनाया गया है कि अगर वी ए टू वी ए वन से बड़ा होगा तो इस टाइप की कंडीशन तुम्हें देखने को मिलेगी ठीक है अगर वी ए टू वी ए वन से बड़ा होगा तो ये भी समझ लो कि लैमडा मिन टू लामडा मिन वन से छोटा होगा क्योंकि लैमडा मिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वी ए। ठीक है? इसको अच्छे से देख लो अच्छे से समझ लो और किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज लिखो ठीक ठीक है एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन और फिर उसके बाद अपन लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये जो अगर मैं तुम्हें अगर क्वेश्चन तो एक वीए कुछ वैल्यू देता हूं ठीक है मैं वीए की कुछ वैल्यू देता हूं एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी बन रहा है क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्मूले कितने अपने पास एक एक फॉर्मला है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे टफ क्वेश्चन बनाऊं उसके अंदर क्वेश्चन बड़ा इजी से ही बन पा रहा है दिमा, दिमाग में नहीं बन पा रहा क्वेश्चन क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा मैं VA दूंगा में ए, में दूंगा लैम्डा लैम्डा पूछूंगा पूछूंगा या इसके अलावा कुछ हो ही नहीं पा रहा है इस क्वेश्चन में तुम्हें जैसा दिख रहा होगा कि मैं ऐसा कुछ उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में ठीक है तो एनी छोड़ो नहीं कर रहा है वो हम चीज तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ना ये हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे कंटिन्यूस एक्सरे हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे थे इसका नाम था कंटिन्यूस एक्सरे सर आप तो एक्सरेज बोल रहे थे एक्सरेज हाँ, दो तरीके की होती है एक होती है कंटिन्यूस एक्सरेज और दूसरी होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ओके तो एक होती है कंटिन्यूस एक्सरेज और दूसरी होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो पूरा का पूरा कंटिन्यूस एक्सरे के बारे में था इसीलिए जब मैंने ग्राफ बनवाया था तो हेडिंग भी वही डलवाई थी कि इंटेंसिटी वर्सेज लैमडा फॉर कंटिन्यूअस ओके दूसरी तरीके की कौन सी मैंने बोली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अब सर ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरस क्या होती है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आज का पूरा लेक्चर जो था वो कंटिन्यूस एक्सरेज पे था और आई होप तुम्हें तो पूरी तरीके से समझ में आ गया हो कि कंटिन्यूस एक्सरेज में किस तरीके के थियोरिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं और सिर्फ एक तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है एक्सरसाइज में बहुत सारे तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बट एक ही तरीके का न्यूमेरिकल देखने को तुम्हें मिल सकता है ये भी थ्योरिटिकली थे जो लास्ट में अपन ने दो क्वेश्चन करे ये भी थ्योरिटिकली थे इनको बना लेना इनको समझ लेना इनके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख लेना की भाई लामडम इन क्यों चेंज नहीं हुआ बिकॉज लामडम इन डिपेंड्स ओनली ऑन ए बाई चेंजिंग वीपी वी कैन नॉट चेंज लामडम इन लामडम इन क्यों चेंज हुआ बिकॉज लामडमिन इज इनोनल तो इसलिए तो ऐसी बस लिख लेना बाकी इसके अलावा आई होप सब कुछ क्लियर रहा हो आज और कोई भी दिक्कत नहीं आई हो ठीक है तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में और वहीं से स्टार्ट करके कैरेक्ट्रिस्टिक एक्सरे से बस दो ही तरीके की एक्सरेज होती है तो दोनों तरीके के एक्सरेज हम लोग खत्म कर लेंगे तो हमारा एक्सरेज चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो एक लेक्चर और, और हमारा सब कुछ कंप्लीट ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना